नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। एक फिल्म एक बार फिर से दुखद खबर, एक बेटी की हत्या की गई है। ये उसके परिवार वालों का आरोप है उसके ससुराल वालों पर। इस समय हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के परिसर में आइए, जानना चाहते इन्हीं परिवार से कि आखिर क्या हुआ, क्या नाम था जी? बेटी का नाम सिमी देवी है। मैम हमें कुछ नहीं पता क्या किया, ना हमें इन्फॉर्म किया। कितनी देर हुई इसकी शादी हुई? मैम 3-4 साल हो गए। 3-4 साल? बच्चे कितने? एक ही बेटी है। कितनी देर उम्र की है? मैम होगी 2-2.5 साल। तो क्या बताइए, पूरी बात बताइए, कहाँ से शादी हुई थी, मायका कहाँ पे उसका? मैम मायका इसका विजयपुर में और ससुराल इसका विक्रम चौक में। आप सारे विजयपुर से? अरे क्या हुआ बताइए पूरी बात। तो मैम इन्होंने हमें बताया कुछ, दबाया है उसका गला, दबाया उसकी पीठ में जख्म देखो कितने हैं। हमें इंसाफ चाहिए, हमें अपनी लड़की चाहिए चाहिए। ये कि इनकी उसकी मम्मी की डेथ पहले भी हुई, 3 महीने हुए अभी उसकी मम्मी की डेथ को। इतनी लाडली लड़की थी वो हमारी, हमारे मोहल्ले में रौनक थी वो। मैडम उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ। ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, अभी एमए कर रही थी और जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी। शादी के बाद? हाँ शादी के बाद भी। और मैम वो नहीं करने देते थे, बट वो फिर भी हमारे सर पे करती थी। तो बट हम इंजीनियरिंग भी की है मैम उसने, तो साथ में मैम हमें पता कैसे इन्फॉर्म हुआ। मेरे साथ एक लड़की पढ़ती है, पैरा मेडिकल कोर्स कर रही है नर्सिंग का, तो मैं भी कर रही थी। तो मैम उसने मेरे को, मेरे घर में आती है मेरी फ्रेंड थी, तो मैम उसने मेरे को इन्फॉर्म किया कि मेरे को कॉल की, तो मैंने नहीं उठाई, तो मेरी कजन ने उठाई। जब उन्होंने मेरे को बुलाया तो मैं चले गई उधर। जब मैं उधर गई तो बोलती कि आपके घर से कोई मतलब कि आया, आपकी सिस्टर आई है। तो उसने ये नहीं बताया कि किसी को क्या हुआ है, उसने बताया कि आपके घर से इधर आया, कुछ हुआ, शायद किसी का एक्सीडेंट हुआ। पक्का इन्फॉर्म उसको भी नहीं था, बट उसने बताया हमें। जब हमें पता लगा, मैंने अपने पापा को बताया कि मैंने कहा पापा जी चलो इधर, ऐसे ऐसे शायद जीजू जी का एक्सीडेंट हो गया, तो चलो इधर चलते हैं। उन्होंने हमें, मैंने कॉल भी किया, उसने बोला नहीं कुछ नहीं हुआ, हमें इन्फॉर्म तो किया ही नहीं। हाँ हाँ की थी, उसने ही बताया, उन्होंने झूठ बोला। हम फिर भी चले गए, हमने बोला कि चलो गांधीनगर में उसकी लड़की की ड्यूटी थी, हम गांधीनगर में चले गए। जब हम गांधीनगर में जाते थे ना, आधे रास्ते में पहुंचे, आगे से हमें बोलती कि नहीं नहीं आप बख्शीनगर में चले जाओ। मेरे को तभी लड़की ने फोन किया, लड़की कहती कि नहीं बख्शीनगर नहीं, झूठ बोल रहे हैं, अभी गांधीनगर में ही है। फिर हम गांधीनगर में गए तो उधर देखा उनकी गाड़ी पहले चले गई, उनकी गाड़ी पहले चले गई, तो हम बाद में गए। बट हम पहले पहुंच गए, 1 घंटा गाड़ी उनकी लेट क्यों आई हमें पता, किसी और ने बताया, उन्होंने क्यों नहीं बताया हमें। उन्होंने भी पहले वो बताती थी लड़की की आपको मार होती है। उसकी सास तो खाना तक नहीं देती थी उसको, वो खाना तक भी नहीं खाती थी, वो करती थी उसकी लड़की के हाथ के खाना नहीं खाती थी। सास बनाती थी तो लड़की खाती थी। दीदी मैं क्या करती थी, सुबह गई खाना ले आती हूँ, सारा झाड़ू पोछा करके सारा काम करके मुझे खाना नहीं बनाने देती, किचन में हाथ की रोटी नहीं खाती है। तो कहती मैं उनकी हाथ की रोटी खा लेती हूँ, मैं सुबह प्लेट में उठाती 2 फुलके और फालतू डाल देती दोपहर को। मैं बनती हूँ, आपको पता था इतना कुछ हो रहा है, तो आपने क्यों नहीं उसको अपने पास? हमने बोला उसको, बोलती नहीं 2 बेटियां घर पे और भी यार, पापा ठीक नहीं है, उधर से मम्मी चली गई है। तो उसकी मम्मी की डेथ हुई है, अभी उसकी मम्मी की 4 मंथ हुआ डेथ हुई है। अभी अभी 4th महीना लग गया, 3 महीने 12 दिन हो गए उसकी डेथ हो गई, अभी ये हो गया ये वाला, हमें तो कुछ पता नहीं चला। ये बात है, आपका नाम क्या? आपके जोशील कुमार। क्या करता है वो? देखो उसको शोरूम में लगा इतनी। आपने कंप्लेन दी अपनी बेटी के बारे में? काली दी है इतनी, विजयपुर में दी है? नहीं मैं विजयपुर में नहीं दी, अभी हमें क्या कंप्लेन किया है कुछ पता ही नहीं है। वो लड़की मुझे नहीं बताती थी, बोलती जब बीमार रहता है इसको ऐसी कोई छाग हो जाए, इसको कुछ हो जाए, इसको मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मेरे साथ नहीं ऐसी शेयर बातें करती। लेकिन वो कहती पापा को मत बताना, नहीं बताती पापा, नहीं पापा को नहीं बताना, बोलती अभी 3 महीने पापा को, मम्मी को डेथ हुई है पापा को मत बताना, ये बीपी के पेशेंट है मैम, तो नहीं बताती थी, मुझे बताती थी सारा कुछ। मैंने फिर भी उसको समझाना, नहीं कि बेटा ससुराल ही रहना है, कुछ नहीं होता है, यानी कि उसकी डेथ भी होगी, आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन? मैम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं, किसी ने बताई मैडम जी, वो उनको टॉर्चर करते हैं। और उन्होंने अखबार में भी नोटिस दिया कि लड़की ने सुसाइड किया और पुलिस वालों ने आके उतारा, जो कि उन्होंने खुद ही उतारा, पुलिस वाले इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। पुलिस वाले ने खुद बताया कि हम इसमें हम नहीं गए थे, हमें गांधीनगर थाने वालों ने बोला ये आपके नजदीक जो चौकी पड़ती है जोरस वाली है, आप जाओ तो ये हादसा, वो फिर गांधीनगर थाने उधर हॉस्पिटल में। मैम ने ग्रेजुएशन की, अभी हमें जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी, उसको पता मेरी एक बेटी। मैम वो ऐसा ऑप्शन लेंगी नहीं, क्यों लेंगी वो कि मैं मर जाऊं? जब वो हॉस्पिटल में गए वो साथ आने लगे, हमें पूछा भाई आप कहाँ हैं, बोले नहीं हम अभी बख्शीनगर में पहुंचे हैं। वो लड़की ने बोला ये झूठ मारे, अभी गेट के पास अभी एम्बुलेंस में बैठे हैं,
जब हमने गाड़ी घुमाई या बैठे दूर पहुंचे थे, जब गाड़ी लेके निकल गए, किसी पीछे गाड़ी हमने घुमाई, ये पता नहीं हम आगे आगे वो पीछे अभी, अभी कहाँ लेके गए? डेड बॉडी अभी इसी पड़ी है रूम में। पोस्टमार्टम के लिए साढ़े 10 बजे इसका पोस्टमार्टम होगा। उसके बाद आप गए पुलिस स्टेशन कौन से गए थे ये बताइए? ब्यूरोस वाले कंप्लेंट दी लिखित में आता है, हमें बताया था उनको, डीएसपी बैठा था, डीएसपी के साथ बातचीत हुई, हमारी बात पे कोई गौर नहीं किया उन्होंने, उन्होंने शायद उनसे पैसे लिए, पता नहीं क्या क्या बात है, क्या कुछ ऐसा हुआ है, उन्होंने उनको अरेस्ट करने के बजाय उनको कुर्सियों पे बिठा रहे हैं। वो किस बात के लिए बिठा रहे हैं कुर्सियों पे? उनका आपका जीजा भी वहाँ पे था? हमारा जीजा भी वहीं पे था, माँ थी, बाप था, छोटी बेटी थी उसकी, चारों थे। इंसाफ चाहिए बस, इंसाफ चाहिए सानू, और कुछ नहीं चाहिए। उन्हें सस की मुड़े की फांसी लाना चाहिए साढ़े सामने। आपको किसने बताया कि जिस कल हजारों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होगी, फिर कहाँ कहाँ बोले उनको बार बार, उसको यही बोलते थे कि उसकी पीठ देख लेना, अभी डेथ हुई है ना, अभी अगर वो खुद ही करेगी पीठ पे थोड़ी मारेगी। मैडम जी वो इतनी समझदार थी ना कि वो खुद नहीं मर सकती थी, उसको मारा गया। रस्सी इतनी जगह में नहीं आती, रस्सी तो पूरी आगे आती है, वो इतनी जगह पे आई रस्सी, और मैम पैरों में भी निशान थे। वो तो पुलिस, अगर अगर सुसाइड किया होता वो तो पुलिस में कैसे दर्ज होता है? ससुराल वाले जाते अगर ऐसा कुछ होता तो उन्होंने हमारी बात पे कोई गौर नहीं किया, वो खुद उतार कर खुद ले गए। डॉक्टर ने बोला आप गांधी तो जुर्म है ना, अगर ऐसा किया तो वो भी तो जुर्म है। फिर डॉक्टर ने बोला गांधी लठाने वाले को बोला आप, आपकी कंप्लेन है आपके नजदीकी पड़ता है ब्योर चौकी, आप जाओ गांधी हॉस्पिटल में, ये ऐसा होगा हैं, आप जाओ। जब वो गए उधर तो देखा उन्हें जे हिसाब किताब, तो वो भी इनके साथ ही लेकर आए। हमने इधर पूछा, हमको बता रहे लड़की की हुई छोटी बच्ची की, तो कहीं बता रहे लड़के का एक्सीडेंट होगा, ये नहीं बताया भी हमारी लड़की का होगा। जब मैंने आपको बताया, ये नहीं बताया, जब इधर पहुंचे मैंने दो स्टार को वाले को पूछा, जब वो उसने बोला, वो उसने मैंने उसको बोला मैं छोटी बच्ची है क्या लड़का है? नहीं, लड़की की माँ है। फिर उस वक्त मुझे घबराहट आ गई, मैं उसी वक्त परेशान हो गया, फिर क्या होगा? मैडम जी वो झूठ ही बोलते रहे, हमें कुछ नहीं बताया कि उनकी डेथ होगी, हमें कुछ भी नहीं बताया, बस ऐसे की छोटी, हमें पहले बोला गया छोटी लड़की को लगी है, बाद में बोलने लगे छोटी के पापा को लगी है, लड़की के बारे में कुछ भी नहीं बोला मैडम, वो तो बोलना चाहिए थे ना, उन्होंने लड़की के बारे में कुछ नहीं बोला, हमें सुबह सुबह ऐसे बोले पहले लड़की के पापा को लगी है, फिर बोले नहीं नहीं अब छोटी लड़की को लगी है। अगर उन्होंने ये सुनाया नहीं कि अपनी बेटी को, किस बात का डर था जो आपको सुना नहीं रही? मैडम मुझे वही तो मारा था, तो डर तो होना ही है उनको, परिवार वाले परिवार की मांग है मैडम, वो बहुत ही बुरे, उस लड़की की पीठ देखो आप, मार मार के उसको वो कर दिया है। अगर अगर वो बताती ना तो वो उसको मारते तो थे ही, वो उसको मार तो उन्होंने दिया ही है ना, तो बस उनको हमें इंसाफ चाहिए मैडम जी। लड़के की मम्मी पापा और वो जो भैया उनको भी अरेस्ट, माँ को भी, लड़के का बाप और लड़का अरेस्ट होना चाहिए। साफ तौर पर देख रहे हैं ये मामला है जो विजयपुर की रहने वाली, जिसकी शादी विक्रम चौक में हुई थी, 31 साल की थी, उनकी एक छोटी बच्ची है। परिवार का आरोप है कि उस लड़की को लगातार ससुराल में प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता था, उसके पति द्वारा, उसकी सास द्वारा। और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर बच्ची के साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ था तो इसके परिवार वालों को, मायके वालों को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया गया? बल्कि ये लोग खुद फोन करके बता रहे थे, पूछ रहे थे, पर सही तरह से नहीं बताया गया। इनका साफ तौर पर इल्जाम है और आरोप है कि बच्ची को, बच्ची की हत्या की गई है। अब देखना है कि क्या किस तरह के कार्रवाई होती है इस केस में। हम भी कोशिश करेंगे मदद करने की, ताकि जो वाकई में अगर उसकी हत्या हुई तो उन आरोपियों को सलाखों के पीछे ले जाया गया। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़ रहे हैं अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।